हेलो फ्रेंड्स, पेनी स्टॉक पेनी स्टॉक। अच्छा पेनी स्टॉक ढूंढ के दीजिए, ये सबकी डिमांड होती है। तो और एक पेनी स्टॉक आपके लाया लिए लाया हूँ जिसका फंडामेंटल्स ठीक ठाक है। कंपनी का नाम है वीजी फाइनेंस लिमिटेड। ये दोस्तों एनबीएफसी है छोटी सी, जो कि फाइनेंसिंग के छोटे मोटे लोन देने का काम करती है। इसका जो लास्ट क्लोजिंग था 3 रुपीज़ 60 पैसे, एंड 52 वीक हाई था 3 रुपीज़ 66 पैसे। तो अपने करीब करीब 52 वीक हाई के पास ये कंपनी पहुंच चुकी है। इसके फंडामेंटल जान लेते हैं। इसका पी है 87 का, जो कि ठीक है, ज़्यादा है, बट पेनी स्टॉक में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। हमें ये देखना होता है प्रॉफिट मेकिंग है कि नहीं और डेट कितना है। ईपीएस है 0.04, ईपीएस पॉजिटिव है, ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.32, मतलब डेट काफ़ी कम है कंपनी पे, ये भी एक पॉजिटिव बात है। प्रोमोटर्स के पास 52% है, तो प्रोमोटर्स के पास अच्छा खासा स्टेक है दोस्तों, तो ये भी एक पॉजिटिव बात निकल कर आती है। एफआई डीआई के पास कोई होल्डिंग नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि छोटी कंपनी है, पेनी स्टॉक है। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो सितंबर 2020 में प्रॉफिट था 11 लाख, जून 2021 में वो हो गया 16 लाख, एंड सितंबर 2021 में वो हो गया 5 लाख। तो देखिए कि ठीक ठाक है, प्रॉफिट मेकिंग है, ये इंपॉर्टेंट बात है, लॉस मेकिंग नहीं है। मैंने काफ़ी पेनी स्टॉक देखे हैं जो लॉस मेकिंग होते हैं फिर भी भागते रहते हैं, पता नहीं लोग क्यों लेते हैं। वो तो सिर्फ इसलिए लेते हैं कि बस भगाना है उसको, प्रॉफिट बुक करना है, फिर गिराना है, तो ये चलते रहता है पेनी स्टॉक में। बट फंडामेंटली साउंड है पेनी स्टॉक, लगातार अपर सर्किट में चल रहा है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो प्रॉफिट मेकिंग है, ठीक ठाक है, हो सकता है थोड़ा और ऊपर जाए 4 रुपये तक 5 रुपये तक, फिर नीचे भी आए, तो आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए आपने पेनी स्टॉक पर। ऐसा मुझे लगता है मार्केट की गिरावट में भी ये शेयर ऊपर ही भाग रहा है, तो इसमें आप बाय करने का सोच सकते हैं। और अगर या आप ट्रैक कर सकते हैं इसको, फिर से जब नीचे आएगा ये 2.5-3 रुपये के आसपास, जब भी आप इसमें एंट्री मार सकते हैं। तो पेनी स्टॉक में हिसाब से ये कंपनी लगातार प्रॉफिट मेकिंग है, तो आप सोच सकते हैं वीजी फाइनेंस लिमिटेड को। थैंक यू।